नमस्कार दोस्तों, संकट टाइल मार्वल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोटा लादी कैसे लगाया जाता है, कैसे माचन करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, क्या करना चाहिए कि आपका कोटा लादी जल्दी लगे। और ये आप लोग अगर कोटा लादी लगाते होंगे या कभी लगाए होंगे तो आपको जानकारी होगा कि ये थोड़ा सा छोटा बड़ा रहता है, तो हम सांदा जो लाइन होता है वो हम लाइन कैसे मिलाएंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। तो हमारे वीडियो पे अगर नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और जो दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर पूछना। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे लगाया जाता है कोटा लादी। देखो कोटा लादी हम एक लाइन के लिए, जैसे हम आप वहाँ से बैठ करके मतलब बैठ या खड़ा हो के लगाएंगे, जितना हम लगा सकें 5-6 लाइन 7 लाइन जितना लगा सके उतना में हमको पहले सीमेंट पानी दे देना है। उसके बाद एक एक करके रख देना है। एक एक करके रखने के बाद उसको जो ऊपर नीचे रहे उसको, इसमें थोड़ा मोटा पतला भी रहता है थिकनेस, तो उसको पहले ठोकेंगे, जो मोटा पतला रहता है वहाँ से हम ठोकना स्टार्ट करेंगे वो मुंडे से, तो वहाँ से लगाते हैं तो सही रहता है। इसके बाद हम लगाते जो है वो कभी भी लादी लगाते हैं तो हम लाइन डोरी बांध के ही लगाते हैं, क्योंकि आपका लाइन जो सीधा नहीं दिखेगा, अगर लंबा लगा रहे हैं सीधा नहीं दिखेगा तो आपका लाइन सीधा नहीं दिखेगा तो ये खराब दिखने में लगता है, बहुत खराब लगता है। ये तो बहुत लंबा है तो इसके लिए मैं लाइन डोरी, आप देखते होंगे कि नहीं डोरी ये बांधा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक डोरी हम बांधे हुए हैं, तो इसके लिए हम कभी इधर से भी ले लेते हैं डोरी तरफ से, कभी इधर से भी। आपको अगर नहीं जानकारी होगा तो डोरी तरफ से ही लेना, आपको इधर से डोरी बांधे है लाइन डोरी उधर से ही आपको लेना है लगाना है तो सही रहेगा। ये हम लोग दो मिस्त्री है तो क्या करते हैं, दोनों बीच से ले लेते हैं, उधर से वो लगा लेता है इधर से हम लोग लगा लेते हैं। तो हम कोटा लादी का माचन कैसे करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये तो सूखा थोड़ा सा माचन है, माचन जो किए है वो सूखा है, इसमें जितना गीला रहेगा गीला करके और पानी पानी की तरह माचन खींच देना है तो सही रहेगा। उसको थोड़ा देर 1 घंटा सूखने के लिए, जैसे 1 बजे तक आप माचन किए तो वो थोड़ा सूखना चाहिए, वो दबना नहीं चाहिए, 1 घंटे के बाद हो दबेगा नहीं तो लगाने में अच्छा रहेगा, कम सीमेंट पानी देके वो लगाने में सही रहेगा। सूखा माचन में क्या होगा कि आप सीमेंट सूखने लगता है तो उसमें वो कोटा लादी जो आप हथौड़े से या किसी मुंडे से ठोकते हैं तो वो अंदर जाते नहीं रहता है, तो इसके लिए आपको गीला ही माचन करना है। और वीडियो के भी लास्ट में बता रहा हूँ कि मेरा मोबाइल हरा गया था, इसके लिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, और ये बहुत मेहनत के बाद ये मेरा चैनल मिला है। मैं तो सोच रहा था कि चैनल आएगा कि नहीं, वो ईमेल ही नहीं।